देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या को लेकर कई तरह की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसी को लेकर मेरठ का एक परिवार पूरे भारत का भ्रमण कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। इस परिवार की ओर से केंद्र सरकार से भी अपील की गई है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाए जाएँ। परिवार के सदस्यों का कहना है कि हम 134 करोड़ हो चुके हैं, इन सभी के लिए खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा, रहने के लिए घर कहाँ से आएंगे और रोजगार कहाँ से आएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले दिनों में होने वाली है, इसलिए आप जाग जाइए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार से भी अपील की है कि वह कड़ा कानून बनाए ताकि जनसंख्या पर काबू पाया जा सके। आपको बता दें कि पहले भी कई बार देश में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की बात तो की गई, कई बार कानून बने भी लेकिन इसका विरोध हुआ और बाद में जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उससे सभी को एकजुट होकर काम करना होगा, नहीं तो समस्याएं हमें घेर लेंगी। क्योंकि जनसंख्या किसी धर्म जाति से जोड़कर ना देखा जाए, ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये संदेश देने के लिए हम अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ पूरे देश में घूमकर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपने परिवार को छोटा लगे। 61,000 बच्चे इस देश में रोज पैदा होते हो और जिस देश में रफ्तार इतनी तेज हो उस देश का भविष्य क्या होगा, ये बताने के लिए मेरठ से निकले हैं और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि वो जनसंख्या वृद्धि पर गंभीरता दिखाए। छोटा परिवार सुखी परिवार, हर व्यक्ति को इस आदेश को मानना चाहिए। हमें इसका ना बुरा लगा, हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को भी हमसे परेशानी होती है तो हमारा उद्देश्य लोगों में संदेश देना है, किसी से लड़ना नहीं है। अगर कोई हमसे ये कहता है आप यहाँ मत करो तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता, हम यहाँ नहीं करेंगे, हम बाहर जाकर कर लेंगे, परंतु हमें बुरा नहीं लगता। प्रशासन अपना काम करेगा और हम अपना काम शालीनता से करेंगे, शासन का भी सम्मान करेंगे और प्रशासन का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य देश में जागरूकता पैदा करना है, ना कि किसी से लड़ना। ये यात्रा आप कैसे कर रहे हैं?